स्वागत है आपका थीटा बैच के इस त्रिकोणमिति क्लास में। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीका से त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल। आपसे एक चीज़ बता दे फिर से कि त्रिकोणमिति में लगभग 32 से 34 कभी कभी तो 40 नंबर का सिर्फ पूछता है 8 और 9 लेशन के। त्रिकोणमिति का जो भी अनुपयोग है उससे 30 या 40 8 और 9 लेशन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। और बताइए क्वेश्चन आता कहाँ से, तो देखिए अगर किताब से क्वेश्चन नहीं रहेगा उसका एग्जाम्पल रहता है, एग्जाम्पल में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो इसको मज़ेदार तरीका से देखते रहिएगा। और आपको ऑलरेडी फार्मूला का ट्रिक हम दे चुके हैं, जा करके दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10A = 4/3 लिखा है। मतलब क्या लिखा है, 10A = 4/3 और बोल रहा है एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जितना भी और सब त्रिकोणमिति में नाम होता है उसका सभी का अनुपात यानी उसका वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो सिर्फ 10 दिया है, बच क्या गया, साइन थीटा कॉस थीटा 10 तो दे दिया है, कॉस एक सेक कॉट इस सब जितना भी है पाँचों निकालना है। और छठा यहाँ पे है, 10θ बराबर होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, अब एक फिगर बनाए, जैसे ऐसे देखने को मिले एक फिगर बनाइए, इसको हम ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं। 10θ होता है लंब, ए के लिए लंब कौन, सामने वाला, कितना 4 हो जाएगा आधार। एक चीज आपको बता दे, अगर कभी भी आपसे आधार पूछे तो उसके पास वाला ही होता है आधार। बताइए ए है, ए का आधार कौन है, इसी के पास वाला, और सामने वाला लंब होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3। जब ये 4 और 3 दिया हो तो आप ए सी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, AC बराबर हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कीजिएगा, 90 डिग्री वाला है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा। पहला का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16+9 = 25। इसका वर्गमूल कितना होता है 5, ये कितना आ गया 5। अब त्रिकोणमिति का अन्य अनुपात बोला है, अन्य अनुपात का मतलब जो भी और नाम आ रहा है, जैसे कि साइन ए कॉस ए। ठीक है, 10A नहीं लिखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी 4/3 दिया है, कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद से सेक ए कॉट ए। बताइए साइन ए क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ए के लिए क्या होगा, लंब होगा सामने वाला, ए के सामने वाला ई वाला लाइन जाइए, ई वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब 4 और कर्ण कितना, कर्ण सबसे बड़ा लाइन उधर साइड वाला 5। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो 3/5। कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। ये सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉसेक सेक कॉस। ठीक है, कॉस सेक सेक कॉस, याद रखिएगा। ये 3/4, 3/5, तो 5/5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कॉट निकालना है, आधार बटा लंब होता है, 10 का उल्टा होता है कॉट, किसमें, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो ये उल्टा ट्रिक याद रखिएगा, टी वाला टी के उल्टा होता है, यानी 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया त्रिकोणमिति का, एक ठो दिया था, अन्य 5 अनुपात और बचा था, क्योंकि टोटल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एग्जांपल का, एग्जांपल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 32 नंबर पूछेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से पूछे, आपका हमेशा एग्जाम्पल पूछा है और इस बार भी बेहतरीन तरीका से पूछेगा। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, याद रखिएगा पिछली बार बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिक्स में रिजल्ट हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से इजी वे में हम जितना मल्टीपल चॉइस आपको गेस करके दिए थे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि उसमें आपके पूरे बुक का निचोड़ था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ट्रिक के साथ बताया था। इस बार भी ये दावा करते हैं कि आप सबसे अपने एरिया में बेहतर करेंगे। यहां देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल को मिस मत कीजिएगा, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, इंग्लिश में लिख सकते हैं टू प्रूव, इसका मतलब होता है सिद्ध करना है, हिंदी में लिखना है तो लिखिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या करना है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। अच्छा जी, ये कैसे बराबर है, यहाँ देखिए सबसे पहले एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज जो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। कह रहा है कि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है, मतलब बी और क्यू क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। यहाँ पे हम ये बताइए, ये तो 90 डिग्री है, न्यून कोण कहते हैं एक्यूट एंगल को जो 90 से कम हो, तो बताइए ये तो बड़ा है ना जी, ये दोनों 90 से कम है, इसको हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं बी। ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक है, बी और क्यू क्या हो गया, ये दोनों न्यून कोण है, ये वाला हो गया बी और ये हो गया आपका, यहाँ अंदर रख देते हैं क्यू, जिसमें यहाँ लिखा है कि साइन बी बराबर क्या है, साइन थीटा है। क्या दिया हुआ है,
साइन क्यू दिया है, साइन बी बराबर ठीक है क्या दिया है साइन क्यू, ये समकोण हो जाता है ठीक है, क्योंकि हमेशा एक ही को इसमें आएगा ट्रायंगल और वो 90 डिग्री वाला आएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण यानी पी बाई एच, और ये भी होता है साइन थीटा बराबर लंब और बट्टा में कर्ण ठीक है। बी बी है ना, बी के लिए लंब क्या होगा, बी के लिए लंब सामने वाला होता है, ये वाला होता है लंब आपका, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी ठीक है। बी के लिए लंब होगा बी सी, कौन होगा बी सी बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा ए सी बराबर साइन क्यू, क्यू के लिए लंब कौन होगा, क्यू के लिए लंब होगा सामने वाला ए बी, कर्ण तो वही होगा ए सी, ए सी से ए सी खत्म हो जाएगा, बचा क्या बी सी इक्वल टू ए बी, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में करा चुके हैं हम, यानी कि बी सी और ए बी ये और ये लाइन आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। और त्रिभुज का एक नियम हम बताए थे कि जब किसी भी त्रिभुज का अगर दो लाइन बराबर हो तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। अगर एक त्रिभुज बना रहे हैं इसका अगर तीनों लाइन ही बराबर आ रहा है, दो मीटर ये और दो मीटर ये, तो इसका जो भी कोण होगा तीनों आपस में क्या होगा, ये तीनों बराबर आएगा। तो यहाँ जब दो लाइन बराबर आ रहा है तो ये दो कोण बराबर नहीं आएगा, अगर दो लाइन बराबर तो दो कोण बराबर, तीन लाइन बराबर त्रिभुज में ठीक है तो तीन कोण बराबर, अगर कोई लाइन बराबर नहीं तो कोई एंगल बराबर नहीं ठीक है, इतना याद रखना है। तो बताइए अभी क्या आया, बी सी बराबर ए बी, यानी कि बी सी और ए बी बराबर है, तो बताइए ये दोनों एंगल भी तो आपस में क्या होगा बराबर होगा, दो एंगल बराबर हो, दो लाइन बराबर होती है तो उसका क्या होता है कोण भी बराबर। तो यहाँ लिख सकते हो एंगल बी बराबर है क्यों, एंगल क्यू के, क्यों बराबर है क्योंकि ए बी और बी सी ये दोनों लाइन आपस में क्या है बराबर है, इसलिए ये बराबर है। तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, बस ये साबित हो, साबित क्या करना है बस आपको पता कर लेना है, ये वाला बराबर आ गया ऑलरेडी, ये बराबर है, अगर दो एंगल बराबर ये आ जाता है आंसर में तो ये लाइन बराबर हो जाता है। स्क्रीन शॉट लीजिए और हम लोग बिना देर किए बहुत ही मज़ेदार तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत क्वेश्चन आसान है, यहाँ एक चीज़ डायरेक्ट आप बिना बनाए आंसर बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर आप फार्मूला के ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं ठीक है तो वहाँ जा करके इसके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मिलेगा फार्मूला का ट्रिक वाला, यानी कि मतलब कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, त्रिकोणमिति में 32-33 फार्मूला है और उस 32-33 फार्मूला का ट्रिक हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक भी है और कहानी भी है बहुत ही मज़ेदार, एक बार उसको जाके देखिए त्रिकोणमिति में कहीं डाउट आपको नहीं मिलेगा ठीक है। वैसे आप उसी में पढ़े होंगे, मात्र 6 फार्मूला से मैंने 32 फार्मूला को क्लियर कर दिया था ठीक है। तो बाबू यही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस में करोगे तो 1 होता है, वैसे इसका आंसर 1 ही आएगा लेकिन फिर भी हम लोग बना रहे हैं। कह रहा है ट्राइंगल ए सी बी लीजिए, कोई ए सी बी लीजिए जिसमें सी समकोण होना चाहिए, हमने एक ट्राइंगल ले लिया त्रिभुज ए सी बी, बताइए सी समकोण है कि नहीं, समकोण माने कितना डिग्री 90 डिग्री ठीक है, तो ये 90 डिग्री वाला सी के स्थान पर लेना है। कह रहा है कि ए बी कितना है 29, ए बी हो गया, बी से सी कितना है 21, तो बताइए आपने तो एक चीज बताया कि जब दो लाइन दिया हो तो तीसरा लाइन निकाल लेना है, तो इस बार बड़ा वाला दिया है तो बड़ा में से छोटा घटाइए, ये निकल जाए क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा था, इस बार ये सिर्फ दिया है, अब बड़ा वाला पता है इसमें क्या रखे कि दोनों को जोड़ने पर, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, देखिए हमको निकालना है यहाँ से ए सी, तो ए सी इक्वल टू रूट में हो जाएगा 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर ठीक है। 29 का स्क्वायर होता है 841 और माइनस ये होता है 441, जब माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा पूरा का पूरा 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 हो जाता है ठीक है। इतना समझ में आया आपको, जब आप इतना समझ गए तो आप तो क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है ठीक है, ये कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे एक होता है लेकिन जान लीजिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/29, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो 20 का बट्टा में ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। इसको बनाए 21 का स्क्वायर होता है 441 और ये हो जाएगा आपका कितना 841, प्लस ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपका कितना 841, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 841 441 और प्लस 400,
जोड़िएगा तो हो जाएगा 841 बट्टा में नीचे भी होगा 841, दोनों एक बार में, कितना आंसर आया एक। और वैसे भी हम आपको बताए थे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ऐसे वन आ गया। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, टेंशन ले के नहीं बनाना है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी तो कुछ खास नहीं है, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, कितना होगा, तो आधार कितना है 21 बट्टा में 29 का होल स्क्वायर और माइनस लंब बट्टा आधार, तो लंब है 20 और बट्टा कर्ण है 29 का, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दे रहे हैं। ये 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का होता है 841, माइनस ये हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 841, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 841 और ये हो जाएगा 441, माइनस में ये हो जाएगा 400, घटाइएगा तो हो जाएगा 41 बटा ये 841, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इतना ही पर आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर कटाना है तो आप फ्री हैं, कटा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना है, दो ठो लाइन दिया है, तीसरा लाइन निकाल के ले जाकर वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यानी भर दीजिए। और वैल्यू जैसे ही भरिएगा, कुछ यूनिक कीजिएगा ना, तो कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल निकलेगा, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है, मज़ेदार तरीका से पढ़ना है। और याद रखिएगा, इस बार क्वेश्चन की संख्या घटा दिया है, क्वेश्चन की संख्या घटा दिया है तो रिजल्ट पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन जान लगा देना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, मेहनत ऐसा करना है कि मतलब पूरा लोग जाने आपके गांव में कि हाँ ये बंदा जो है ना वाकई में ग्रेट है, बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए, कोण तो मतलब एक ही तो बनेगा यार, ये दिमाग में बैठा लो, इसको छोड़ के दूसरा कोई नहीं बनेगा। इसका नाम है ABC, जिसमें बी वाला समकोण होना चाहिए, तो बी ए होगा तो ऊपर ए होगा, ABC हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में टेन ए बराबर वन दिया है, क्या दिया है, टेन ए बराबर वन, वैसे टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब तो एक पता है, वन दिया है, लेकिन जब एक नंबर हो तो उसके नीचे भी वन छिपा रहता है। दुनिया के हर इंसान, नंबर, जानवर, कुछ भी हो, उसके नीचे बट्टा एक छिपा रहता है, वो एक बताता है कि वो इंसान मात्र एक है। अगर नीचे दो अगर लिख दे, इसका मतलब कि अगर हमारे नीचे दो लगा दिया जाए तो हमको दो हिस्सा में काटना पड़ेगा, अगर हमारे नीचे तीन लगा दिया जाए तो तीन हिस्सा में नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो एक का मतलब होता है इसको मात्र एक, कितना है ये, एक ही बार है, तो नीचे आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए टेन थीटा लंब कितना है, ए का बात कर रहे हैं, ए, ए के लिए लंब हो जाएगा एक ये, और आधार कितना है, आधार है एक, हर नंबर के नीचे बट्टा एक छिपा रहता है, दे या नहीं दे उसे मतलब नहीं होता है। तो जब ये दिया है तो तीसरा लाइन निकाल दो, इस बार तो आसान है क्योंकि ये दोनों छोटा वाला लाइन, इस सबसे बड़ा लाइन ये है, तो बड़ा लाइन निकालना हो तो दो छोटा छोटा चीज़ को जोड़ोगे ना, ये दोनों को जोड़ो, लेकिन कैसे, स्क्वायर करके। जब भी AC निकालना हो तो कैसे जोड़िएगा, रूट में एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 + 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये कितना आया, रूट 2। तो साबित करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव 2 sin A into cos A = 1। चलिए भरते हैं, 2 हमको एक ला देना है इसको बना करके, ठीक है। तो यहाँ 2 sin A, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कॉस थीटा आधार बट्टा में कर्ण, ठीक है, ये तो हमको लाना है, छोड़ो उसको। A के लिए लंब कौन, A के लिए लंब हो जाएगा एक, कर्ण कौन, रूट 2 into बी, मतलब कॉस के लिए आधार कौन, ए के लिए, तो आधार हो जाएगा 1/√2, ठीक है, इतना आया ना। यहाँ देखिए 2 में 1 से सब ऊपर ऊपर, 2 में 1, 2 + 2 और 2 + 2, और √2 में √2 से कितना हो जाएगा, √4, और √4 का वर्मूल होता है 2, 2 + 2, बताइए आ गया कि नहीं 1, तो ये 1 आ गया, PROVED साबित हो गया। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम बिना देर किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ देखिए उदाहरण नंबर पांच, ये देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो आपके किताब का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम दो है, एक किताब में दिया और वैसे ही सेम टू सेम आपको एक उदाहरण में दिया है, तो अगर वो नहीं पूछता है तो हर बार ये जरूर पूछता है, तो मिस मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला का बहुत ही मजेदार ट्रिक आपके पास है, जाकर प्ले लिस्ट खोल करके देखिए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए जिसका नाम है ओ पी क्यू। चलिए हमने बना लिया एक ट्राइंगल, लेकिन कहाँ रखे वो, कहाँ रखे P, कहाँ रखे Q, कोई ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे लिखा है P एक समकोण है, 90 डिग्री समकोण कहते हैं, तो P तो अब हो जाएगा P O Q। तो इससे पहले है, इससे पहले क्या है P के पहले O है, तो O लिखिए और इधर लिखिए Q। क्या क्या दिया है, O P, O से P तक कितना 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। यहाँ एक चीज़ दिया है देखो क्या, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ऐसे दिया है यहाँ पे एक, ठीक है। अरे यार ये क्या बला है, कुछ बला नहीं है, ओ क्यू का मान निकालो, तो जिसका मान निकालते हैं उसको अलग छोड़ते हैं। जिंदगी में कभी अपना वैल्यू बनाना हो ना तो अलग ना एकदम सीख लो, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, यानी ओ क्यू का वैल्यू कितना आया है, तो पी क्यू में एक जोड़ दिया जाएगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। छोड़ते हैं हम, बताइए आपको पाइथागोरस फॉर्मूला पता है, कर्ण बराबर होता है लंब और आधार लेकिन स्क्वायर में, यानी कि कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये पता है कर्ण क्या कहती है, कर्ण कहती है कि अगर मेरे बराबर आना है तो तुम दोनों को स्क्वायर होकर के जुट के बराबर आना पड़ेगा। कर्ण कितना है, तो कर्ण बाबू लिखा है वहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है ओ पी का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार है पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू, ओ क्यू कितना दिया है, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, भर दिए इसके जगह पर, ठीक है। ओ पी, ओ पी दिया है ओ से पी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ये नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, ये एक फॉर्मूला पे सेट है, एक प्लस बी के द होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पी क्यू का कुछ नहीं होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा 2PQ इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, 7 × 49 और ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नंबर को एक जगह करते हैं और क्या बोलते हैं ABCD वाले हिस्सा को एक तरफ करते हैं, तो हम एक को भेज देते हैं इधर, इसको ला देते हैं, तो ये प्लस में एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस 2PQ। यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ अकेले बचेगा 49, ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1, इससे ये ख़त्म क्योंकि दोनों एक जैसा है, अब प्लस माइनस में बच क्या गया 2PQ इज इक्वल टू 48। इसको कटा दें हम लोग, कितना हो जाएगा 2 × 4 = 2 × 4 = 8, P से Q कितना आ गया 24, PQ कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ना PQ जब 24 आ गया, और निकालना क्या है OQ, ई वो लाइन वहाँ निकालना है ना, तो एक वो एक्स्ट्रा है, यहाँ भरना चाहते हो तो पी क्यू की जगह पर जब 24 भरोगे तो 24 × 1 = 25, ओ क्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, आपको भरना है तो भर सकते हैं, ओ क्यू बराबर 1 + PQ है 24 = 25, आपका ये 25 आ गया। जब ये आ गया तो क्वेश्चन बोल रहा है साइन क्यू, ठीक है, और कॉस क्यू का मान निकालिए, क्या बोल रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, यही ना होता है, वैसे साइन थीटा लंब, थीटा के लिए लंब होगा सामने वाला 7 और कर्ण होगा 25, ठीक है। और यहाँ देखिए थीटा के लिए आधार होगा 24 और कर्ण होगा आपका 25, ठीक है। तो एक बार इसका धीरे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये 1 से लेकर 5 तक का एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन, देखिए एक्सरसाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे, डीपली देखेंगे, क्योंकि ये मिस करेंगे तो 40 नंबर हाथ से निकल जाएगा, और ये हम चाहते नहीं है, क्योंकि आपका
रिजल्ट हमको 95 के ऊपर देखना है, ताकि आप जब कमेंट बॉक्स में भरे तो सिर्फ 95, 96, 97 भरे। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में फॉर्मूला का धमाकेदार ट्रिक, एक ही चीज का दो ट्रिक लेकर के आएंगे। ट्रिक क्या, कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान, ये चीज लेकर के आना है। दो तरीका का ट्रिक होगा, बहुत मजेदार लगेगा, उसको आराम से पढ़िएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।